दोस्तों, मैं हूँ अनुपमा और अनुपम फूड्स चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मैं आज बेसन स्टफ्ड पराठा बनाने वाली हूँ। इसे आप झटपट तैयार होने वाली पूरन पोली भी बोल सकती हैं। तो चलिए बनाती हूँ बेसन स्टफ्ड पराठा। उसके लिए एक कटोरी बेसन ली हूँ और इसे कढ़ाई में बिना घी के ही भून रही हूँ। 5 से 7 मिनट तक इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पहले बिना घी के भून लूँगी, उसके बाद इसमें थोड़ा सा घी ऐड करूँगी। तो चलिए इसे भून लेती हूँ। बेसन हमारे अच्छे से भून गए हैं, ये देखिए, ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और इसमें से हल्की हल्की सुगंध आने लगी है। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। अब इसमें 1 चम्मच शुद्ध घी ऐड कर रही हूँ और इसे 1 से 2 मिनट तक और भून लेती हूँ और इसे निकाल कर एक बर्तन में ठंडा कर लूँगी। बेसन हमारा ठंडा हो गया है, ये देखिए, अच्छे से इसको भूनी हूँ। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनिए ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ पाए। अब इसमें 2 चम्मच शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। एक घर में ही चीनी पीस ली हूँ। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। थोड़े से नारियल को ग्रेट करके ले ली हूँ, ये सूखी नारियल है, ये भी इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़े से मावा है, इसे भी ऐड कर देती हूँ। और 3-4 हरी इलायची जिसे दरदरा कूट करके ली थी उसे भी इसमें डाल रही हूँ। अब इन सबको अच्छे से मिला लेती हूँ। हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है, ये देखिए। अगर आपकी स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा ड्राई लग रही है तो आप उसमें 1-2 चम्मच दूध ऐड कर दें और उसे थोड़ा गीला कर लें। क्योंकि इसमें मैं मावा डाली हूँ इसलिए हमारी स्टफिंग अच्छी बनी है। और अगर आपका मार्केट का मावा है तो आप उसे ज़रूर थोड़ा सा भून लें अच्छे से। ये हमारा घर का ही मावा बना हुआ था इसलिए मैंने ही भूनी हूँ। चलिए बना लेती हूँ पराठा इसके। तो सिंपल जिससे रोटियाँ बनाते हैं उस तरह के आटा गूंथ करके ले ली हूँ। अब इसमें से 1 लोई ले लेती हूँ और थोड़ा सा आटा इस तरह से डाल दे रही हूँ चकले पर ताकि रोटी हमारी सटे ना। और इस तरह से गड्ढा करते हुए इसमें बेसन की स्टफिंग को भर लेंगे। सच मानिए दोस्तों, अगर आप इस तरह से बनाती हैं तो सबको खाने में बहुत अच्छा लगेगा और ये इंस्टेंट पूरन पोली है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए इस तरह से इसकी स्टफिंग भर लेती हूँ। इसे हल्का सा प्रेस करते हुए दबा लें इस तरह से। और पहले इसे हल्के से हाथों से इस तरह से दबा लेंगे ताकि जब इसे बेले तो ये फटे ना। अब बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेल लेती हूँ। इसे बेल कर घी या बटर लगाकर आप अच्छे से सेकें। इसमें घी या बटर ही यूज़ करें, तेल ना यूज़ करें। तो चलिए इसी तरह से सारी पराठे बना के तैयार कर लेती हूँ। पराठों को बेल ली हूँ, अब वो इसे अच्छे से सेक ले रही हूँ। सॉरी, इसे घी या बटर लगाकर ही अच्छे से सेकूँगी। ये लीजिए दोस्तों, हमारी झटपट पूरन पोली बनकर तैयार हो गई है। सच मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप चाहें तो इसकी स्टफिंग में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा बारीक पीस करके डाल सकती हैं। तो ये लीजिए, हमारा बेसन स्टफ्ड पराठा बनकर तैयार है, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। क्योंकि इसमें थोड़ा सा मावा भी है और सब ये भी है तो खाने में मिठाई जैसा लगेगा। तो प्लीज़ इस रेसिपी से ज़रूर एक बार आप बेसन स्टफ्ड पराठा बनाइए। धन्यवाद।